मैं तो काशी में हूँ, अयोध्या भगवान राम की पावन स्थली है यार। अरे? और उसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। भाई थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। सब कुछ करने वाले कर्ता भगवान है, और भगवान की नगरी में क्या होगा ये मनुष्य थोड़ी बताता है। मनुष्य तो करता है, करने वाला है, और कराने वाला सब ऊपर वाला है। तो आप इस बात से बिल्कुल निशा खातिर रहें, कानून व्यवस्था प्रत्येक स्थिति में हर जगह की अच्छी रहेगी। सब लोग मिलकर समन्वित भाव से पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में सब चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में एक कोई अच्छा सा हल निकले। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने जो संकल्प पत्र में है इसका पहले से ही विचार किया है, और लोगों की उम्मीद ये थी कि माननीय न्यायालय से जल्दी निर्णय हो जाएगा। कहीं भी कुछ भी विलंब होता है तो आम आवाम का सशंकित होना, आतुर होना, व्याकुल होना और किसी भी कार्य के प्रति जागृत होना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सरकार कानून और विधि विधान से चलती है, और बड़े अच्छी तरीके से केंद्र और प्रदेश की कुशल सरकारें चल रही हैं। सर, ये बात करें, शिवसेना तारीख की डिमांड कर रही है, कह रही है कि आज हमको तारीख चाहिए, नहीं तो हम इस तरीके लाइन आटा का डिस्टर्ब था, इसका जिम्मेदार कौन होगा इस तरीके से? देखिए, हम सरकार का पक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार का उप मुख्यमंत्री होने के नाते इतना कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चाबंद है और रहेगी। रही बात आगे की, कौन दल क्या कहता है, हर दल की अपनी विचारधाराएं हैं। हमें भारत की जो आम जनता है, इसमें मैं हिंदू और मुसलमान दोनों बंधुओं को कहूँगा कि अधिकांश लोग चाहते हैं श्री राम जन्मभूमि का जो प्रसंग है वो जल्दी अंतिम निर्णय पर पहुँचे। क्या विधिक प्रक्रिया हो सकती है इस संदर्भ में, ये सार्वजनिक खड़े होकर कहने का ये उपक्रम नहीं है। इसके बारे में सब मिलते हैं, सम्यक विचार करते हैं, और विचार करने के बाद जो भी नीतिगत निर्णय है वो सरकारें लिया करती हैं। ये सब जो सब कुछ हो रहा है वो दबाव बनाने के लिए सरकार से हो रहा है, क्या वाकई में सरकार में कुछ दबाव है कि नहीं है? नहीं, देखिए, दबाव, प्रभाव, लगाव तीनों हैं इसमें। इसमें लगाव भी है और ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव भी है, जनाकांक्षाओं का प्रभाव भी है, और जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनका निश्चित रूप में जनता के प्रति जो दायित्व है उसका दबाव भी है। बात करें, आजम खान साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम वहां से पलायन कर रहे हैं, मोदी जी कृपया बता दीजिए हम किस देश में पलायन कर रहे हैं। इतना निश्चित मान लीजिए कि हिंदुस्तान में जितना हिंदू सुरक्षित है उतना ही मुस्लिम भी सुरक्षित है। शायद दुनिया का पहला ये देश अकेला है जहाँ अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। वो ईसाई भी हो सकते हैं, वो अन्य जातियों के भी मुस्लिम भी हो सकते हैं, उनमें हिंदू और मुस्लिम में कोई अंतर हमारे हिंदुस्तान में नहीं रखा गया। राम मंदिर की जगह मूर्ति का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं, जो मूर्ति वहाँ लगाने की बात आई है, फोटो भी डाला जा रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी मूर्ति लगाने की बात क्या है? आप लॉलीपॉप की बात नहीं करिए, गुलगुले खाने का इंतजार करिए।